अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावा में क्लास की और ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिकल एग्जांपल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था और सीखा था कि जावा के थ्योरेटिकल वे में कि जावा में क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है और ऑब्जेक्ट और उनके प्रोग्रामिंग क्यों कहते हैं जावा को, और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के जरिए जावा में कैसे काम होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल देखी थी कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं। बेसिकली क्लास जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रियल वर्ल्ड एंटिटीज को आप कह सकते हैं। तो क्लास जो है वो एक लॉजिकल जो है आपके पास मॉडल होता है, लॉजिकल एंटिटी होती है, और ऑब्जेक्ट जो है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी होते हैं। ठीक है, तो आज हम वापस आ जाते हैं अपने कोड एडिटर में या डेवलपमेंट एनवायरमेंट जिसे हम कहते हैं आईडी में। यहाँ पे मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, तो इसमें हम एक सिंपल जो है वो क्लास के और ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल देखेंगे और फिर इसके बाद हम क्लास के बाद हम एब्स्ट्रैक्शन भी देखेंगे कि जावा में कैसे होती है। तो यहाँ पे मैं ये जितने भी एक्स्ट्रा कमेंटिंग होती है सोर्स कोड में वो आप रिमूव कर दें। ठीक है, तो हम एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल देखने वाले हैं कि एक जावा में जो है वो क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट के जरिए क्लास में रखे हुए कोई भी वेरिएबल या जो भी आपने डेटा स्टोर किया है उसे आप कॉल कैसे करवा सकते हैं, इस वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक क्लास जो हमारे पास मेन क्लास क्रिएटेड है ऑलरेडी, इसी क्लास के अंदर एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर। ठीक है, और इंटीजर वेरिएबल का जो नाम है वो दे देते हैं एक्स, इंटीजर एक्स इक्वल का साइन देंगे और हम इसे वैल्यू दे देंगे 5। ठीक है, इसके बाद सेमी कॉलन। अब यहाँ पर जावा की क्लास में यह मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ जूम करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने मेन क्लास जावा के अंदर जो कि मेन क्लास है इसी में हमने एक ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है इंटीजर एक्स के नाम से, जिसे हमने वैल्यू दी है 5। ठीक है, वैल्यू असाइन की है 5। इसके बाद अब यहाँ पर हम जो हमारी मेन क्लास की, यहाँ पर ये तो हमारी पब्लिक क्लास जावा की जो है आपको पता है कि एप्लीकेशन है, और यहाँ पर ये हमारा जो है पब्लिक स्टेटिक वॉइड, ये होता है मेन एंट्री पॉइंट। ये प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर जो है हम टाइप करने वाले हैं इस ऑब्जेक्ट, इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब क्लास के अंदर से अगर आपने किसी वेरिएबल को एक्सेस करना है तो उसे हम ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जावा एक स्ट्रॉन्गली टाइप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं कि हम टाइप करेंगे मेन, और या फिर आप इसकी जगह यहाँ पर हम असल में टाइप करते हैं क्लास का जो हमारे पास नाम है। तो यहाँ पर मेरी क्लास का जो है नेम है वो जावा एप्लीकेशन रूटीन। ठीक है, इसके बाद आप अपने ऑब्जेक्ट को कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दूंगी कि माई OBJ1। ठीक है, आप लोग अपनी पसंद से या अपने वर्क फ्लो के मुताबिक कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, माई ऑब्जेक्ट 1 दे देंगे। इसके बाद इक्वल साइन न्यू, जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली जावा में इस तरह होता है कि जब आप न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम क्लास के वेरिएबल का या किसी भी जो है वो डेटा टाइप का या जो भी वर्क हमने उसके अंदर रखा हुआ इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, या क्लास का ऑब्जेक्ट जो हम जहाँ से हम सारा डेटा लाइक अपना एक्सेस करेंगे उसको एक्सेस करने के लिए जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू का कीवर्ड जो है वो पहली हिंट होती है, और इसी से आपको पता चलता है कि आप जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। तो जावा में कहीं भी आप कोडिंग देखें तो वहाँ न्यू का कीवर्ड हो तो आपको पता होगा कि ये जो है वो क्लास की तरफ पॉइंट करता है। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाया जाता है तो वहां पर हम न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगेन आपकी जो भी आपके पैकेज का नाम है, यहाँ पर मेरे पास एप्लीकेशन 16 है तो आपके पैकेज का जो भी नाम है आप वो दे सकते हैं। तो मैंने उसी नाम से अपना OBJ1 क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर इस तरह से ठीक है ब्रेकेज देने हैं और इसके बाद सेमीकॉलन। अब यहाँ पे हमने किया क्या है कि हमने किया कुछ भी नहीं, यहाँ पर हमने हमारा जो पैकेज नेम था, क्लास नेम था मेन एप्लीकेशन वो दिया, उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसे हमने नाम दिया MyOBJ1। उसके बाद हमने इसे वैल्यू, जैसे कि आपको पता है कि इज इक्वल्स जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, साइनिंग ऑपरेटर होता है। ठीक है, इसके बाद हमने न्यू कवर्ड कीवर्ड कॉल किया, ये कीवर्ड है जावा में जिससे कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशन जावा 16 का हमने MyOBJ के नाम से पहला ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब अगर आप इस जिस पब्लिक क्लास जावा एप्लीकेशन 16 का हमने मेन
अपनी एप्लीकेशन के क्लास के एंट्री पॉइंट में ऑब्जेक्ट बनाया है. अब हमें, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ये इंटीजर एक्स को हमने कहीं कॉल ही नहीं किया और एक्स की वर्ड भी यहाँ कहीं नहीं, तो हम ये एक्सेस कैसे करेंगे? जैसे एक्सेस करने के लिए आपको ये करना होता है कि आप अगेन हमारे पास जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम उसे दे देंगे. उसके बाद इसमें हम ये जो हमारे पास डबल कोट्स होते हैं ये स्ट्रिंग के लिए होते हैं, आप डबल कोट्स रिमूव कर दें. इसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है माई ओबीजे वन. अपने ऑब्जेक्ट का नेम दें और यहाँ पर आपके जो भी वेरिएबल का नाम है, और अगर आपने कोई मेथड रखा हुआ है, कोई फंक्शन है, कुछ भी जो आप इस एप्लीकेशन के क्लास में आपने जो रखा हुआ है, ठीक है, तो उसे आप मेन क्लास में एक्सेस कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे आपने जो भी इस वेरिएबल को नाम दिया हुआ है, या कोई मेथड है या कोई फंक्शन है, तो उसका नाम यहाँ पर इधर हम जब प्रिंट स्टेटमेंट करवाएंगे तो हम देंगे पहला, यानी कि हमारा जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया, जो भी आपके ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, मेरा मेरे ऑब्जेक्ट का नाम माई ओबीजे वन है तो मैंने वो दे दिया. इसके बाद आप डॉट, ठीक है, डॉट का जो साइन है या डॉट जो डॉट भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने डॉट जो है वो एंटर किया स्क्रीन पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉल ओपन हो जाता है. इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं कि जितने भी क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स जिन जिन क्लासेस के बने हुए, क्योंकि जावा में सब जो है, जो भी हम वर्क स्टेटमेंट, जो भी हम काम करते हैं, सब चीजें जो है वो ऑब्जेक्ट ही कहलाती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जावा में सब चीजें ऑब्जेक्ट ही होती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने डॉट क्लिक किया है, एक न्यू का कीवर्ड, एक डॉट का कीवर्ड हमेशा सिंबलाइज करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को, ठीक है. तो यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा कुछ स्क्रीन पे, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही फायदा होता है आईडी यूज करने का. अगर आप नोटपैड पे काम करें तो ये इस तरह से आपको हिंट्स और हेल्प नहीं मिलती, ठीक है. तो यहाँ पे डॉट के बाद आप देख सकते हैं कि ये एक्स हमें शो कर रहा है, जो कि हमारे इधर वेरिएबल का नाम है, आप देख सकते हैं. और फिर यहाँ पर उसकी डेटा टाइप भी शो कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है. तो हम यहाँ पर जाके एक्स कॉल कर देते हैं, इन सेमी कॉलर हमारे पास है, अब इसे रन करके देख लेते हैं, ठीक है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इसे रन करके देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में हमारी वैल्यू जो है 5 पर आ रही है, यानी ठीक है, ये चंद सेकंड लेगा रन होने में, क्योंकि बिल्कुल नया प्रोजेक्ट अभी मैंने क्रिएट किया है. सी देख रहे हैं आप लोग के यहाँ पर हमारे पास 5 आ गया, यानी कि हमने मेन जावा एप्लीकेशन जावा 16 जो थी हमारे पास, उसकी मेन क्लास में हमने यहाँ से रखा हुआ वेरिएबल जो है इधर जावा की क्लास में, मेन क्लास में हमने कैसे कॉल किया, ठीक है, आप देख सकते हैं. तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जो भी आपके पैकेज का जो क्लास का नाम है, जिसमें से आप जो भी वेरिएबल या मेथड एक्सेस करें आप वो देंगे. उसके बाद जो भी आपने अपने ऑब्जेक्ट का नाम रखना है वो देंगे. उसके बाद इज इक्वल्स टू न्यू, यानी कि हम यहाँ पे न्यू को रिफर करेंगे कि हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. और इसके बाद अगेन आपकी जो मेन क्लास है जिससे आप वो चीज रेफर कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसका नाम आएगा, ठीक है. इसके बाद यहाँ पर आप कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट या आपका जो भी वर्क फ्लो है उसके मुताबिक आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है. अब बात आती है कि जावा में एक पैरामीटर के, एक वेरिएबल के, या किसी भी एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम मेन क्लास में क्रिएट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है. पहला क्वेश्चन तो ये है, तो बिल्कुल आप क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप जो है वो जैसे कि यहाँ पर हम इस तरह से इसे अगेन प्रिंट करवा लें, ठीक है. तो ये तो रिपीट प्रिंटिंग हो जाएगी. एक क्लास, एक ही वेरिएबल के यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल किए जा सकते हैं. हम यहाँ पे क्या करते हैं, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए अगेन वही सारा प्रोसीजर हम देंगे. जो भी क्लास जिससे भी हम अपना वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं उस क्लास का नाम देंगे, ठीक है, जो भी आपकी क्लास का नाम है. यहाँ पे मेरे पास जावा एप्लीकेशन 16 है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है. इसके बाद स्पेस देकर मेरे ऑब्जेक्ट का जो नाम होगा वो देंगे. अगर मैं दोबारा माई ओबीजे वन दे देती हूँ तो ये एरर थ्रो करेगा, ठीक है. तो क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जावा में जो है वो आप इस तरह से रीनेमिंग या फिर रीअसाइनिंग वैल्यू नहीं कर सकते, ठीक है. एक नाम का वेरिएबल है तो आप उसे दोबारा नीचे आकर फ्लो देकर और वैल्यू चेंज करके दोबारा असाइन करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, जावा एरर थ्रो करता है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं माई ओबीजे टू दे देती हूँ और उसी वेरिएबल का एक न्यू जो है ऑब्जेक्ट बना रही हूँ. उसके बाद न्यू और अगेन जो हमारी जावा मेरी एप्लीकेशन यानी क्लास का नाम है मैं वो दे दूंगी और हम कर देंगे सेमी कॉलन ब्रैकेट क्लोज. अब यहाँ पर हमने एक ही वेरिएबल इंटीजर एक्स 5 जिसको हमने 5 वैल्यू असाइन की इंटीजर एक्स को, डेटा टाइम इंटीजर है, उसके हमने दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए, ठीक है. फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने उसका बनाया है ओबीजे 1 के नाम से, सेकेंड ऑब्जेक्ट उसी क्लास के उसी वेरिएबल का हमने बनाया है 2 के नाम से, ठीक है.
तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे रिजल्ट में कोई इफेक्ट आता है या नहीं। तो अगेन हम SOUT देकर टैप टैप करेंगे, एक ही दफा टैप करना है। हम डबल कोट्स हटा देंगे क्योंकि हम यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं। जावा में डबल कोट्स में हमेशा स्ट्रिंग रखा जाता है, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग पे काम नहीं कर रहे हैं। हम देखें यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि माई ओबीजे टू जो कि मेरे सेकेंड ऑब्जेक्ट का नाम था मैंने दिया, तो फिर आप देख सकते हैं कि दोबारा हमारे पास ये जो ID में हमारे पास सोर्स या हेल्प होती है तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगेन एक्स आ रहा है क्योंकि अभी यही एक वैल्यू है उस क्लास में। ठीक है, तो अगेन मैंने एक्स को कॉल कर दिया और हम दोबारा रन कर लेते हैं। आप F4 प्रेस कर F6 प्रेस करके सॉरी भी रन कर सकते हैं, बट इट्स योर चॉइस। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हुई है। अगेन फर्स्ट ऑब्जेक्ट में भी 5 रहा और सेकंड ऑब्जेक्ट में भी 5। ठीक है, तो इस तरह से जावा की एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बता दी है कि आप जावा एप्लीकेशन यानी कि पब्लिक क्लास जावा एप्लीकेशन जो भी आपका नाम है उसमें कोई भी वेरिएबल फंक्शन मेथड बनाकर मेन मेथड में जावा का जो भी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है आपका उसमें कैसे कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे हमने क्लास और ऑब्जेक्ट बनाने की जो है वो देख ली है, प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होती है। तो क्लास के कुछ रूल्स होते हैं जिस तरह ऑब्जेक्ट के भी कुछ रूल होते हैं। क्लास आपको पता करना है कि हमने कैसे बनाई है, तो यहाँ पर या उसका मेथड हम कैसे कॉल करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से कॉल करवाया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले मेरे पे जावा क्लास आ गया, फिर मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और न्यू उसके बाद मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर जो है वो एंड में मैंने ब्रेकेट्स कोड किए हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक हिंट होती है कि यहाँ पर जो है वो क्लास है। ठीक है, जैसे कि न्यू ऑब्जेक्ट जो है रिफर करता है ऑब्जेक्ट को, न्यू कीवर्ड, और डॉट भी रिफर करता है हमारे पास ऑब्जेक्ट को। तो इसी तरह से ये जो डबल ब्रेकेट्स आप यानी सिंगुलर ब्रेकेट्स होते हैं आपके पास, ये भी जो है रिफर करते हैं क्लास को। ठीक है, तो ये थी एक सिंपल सी एग्जांपल। अब हम देख लेते हैं कि हम इसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक एग्जांपल मैं आप लोगों को ऐसी बता देती हूँ कि हम यहाँ पर जो है कुछ डेटा एक्सेस करके देखते हैं या थोड़ा सा और डीप में काम करके देखते हैं, कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाकर या क्लास में थोड़ा सा और डेटा रखकर, और फिर हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है जावा में।